सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत शाम की बात करेंगे तेरे जाने के बाद के एपिसोड में 10 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह सचिन को देखने के लिए अर्शद के घर वाले आते हैं और उसे पसंद कर जाते हैं। अपनी पीठ से कहती है तो उसे कहती है कि आप तो मेरा घर बर्बाद करने में। फिर दूसरी तरफ जो है उसे कहती है, उसकी माँ तो कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी चाहे कुछ भी होते। हमार भी ये चाहता है कि सचिन का रिश्ता उमर के साथ हो, लेकिन उसकी माँ अपनी जिद पर बंद होती है। अर्शद जो है वो उसकी घर वापस आते हैं, उसकी माँ से सब घर वाले देख के काफ़ी खुश होते हैं। उमर काफ़ी परेशान होता है, अपनी भाभी से बात करता है। अर्शद जो है वो उससे बात करते हैं तो कहता है कि हाँ तुम डायरेक्ट शादी की बात करें, क्योंकि जो है ये चीज़ें मंगनी वगैरह टूटती ही रहती हैं। फिर दूसरी तरफ वो काफ़ी परेशान होती है कि जो है उसे वो घर वापस आए। काफ़ी सचिन भी काफ़ी परेशान होते हैं। आने वाले एपिसोड में देखेंगे वो चाहते हैं कि उसकी शादी उससे हो। वहीं पर उमर की भाभी कहती है कि कितने बदनसीब हैं मेरे घर वाले कि उन्हें इतना अच्छा लड़का को ठुकरा रहे हैं। वहीं पर जो है वो किसी और के चक्कर में फरी पड़ी होती है और कहती है कि जो है तुम्हें उससे शादी करनी होगी और इसलिए अपने घर भी जाने को तैयार नहीं होती। वहीं पर अर्शद की फैमिली कहती है कि जो है आजकल जो है दूर ही कुछ हो रहा है। वही अपनी माँ से वो पूछती है कि आपने रिश्ता तय कर दिया है, यानी काफ़ी हैरान होते हैं कि वाकई में उसने जो है सचिन का रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर तय कर दिया। अब देख रहे हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या सचिन को मिलेगी उसकी मोहब्बत या नहीं। आप अपनी कमेंट के जरिए सोच दीजिएगा।